हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। समर्पण वाला जीवन जिए, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब ऐसा समय जब आप दुखी हैं, परेशान हैं और परमेश्वर के द्वारा आपकी कोई अगुवाई नहीं हो रही है। आपको अपने जीवन में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। परमेश्वर ने कहा कि उस दुख और परेशानी के समय में भी मेरी सच्चाई का प्रचार करना। अगर ऐसे समय में भी आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के परखे हुए और कोड़े खाए हुए बेटे बेटियां हैं और आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है। परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि अगर तुम मेरे बेटे और बेटियां बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोड़े भी लगाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कोड़े नहीं लगे तो तुम मेरी संतान नहीं ठहर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का हर हालात में प्रचार करना आपकी सामर्थ्य है। यह आपका हथियार है। यह शैतान के मुंह पर एक थप्पड़ है कि शैतान ने आपको बीमारी दी, गरीबी दी और आप फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। शैतान ने आपको संघर्ष दिया और आप फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आपकी असल परीक्षा यही है कि जब आप संघर्ष में हो और तब भी आप संघर्ष से निकलने वाले परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, और आपने अपने जीवन को भी ऐसा बना कर रखा हो कि आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और अपने पेट का दर्द छुपाया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर एक दिन आपको भी छूने वाला है। लेकिन जब आपकी आशीष को थोड़ी सी देरी हो जाएगी और आप पाप कर लेंगे, तो जब लोगों को आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे अन्य जातियों ने इसराइलियों का मजाक उड़ाया था। इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी कि परमेश्वर उनको कनान देश में पहुंचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर पर बार बार कुड़कुड़ाए, जिस कारण वह रास्ते में ही मारे गए। तब लोगों ने बोला कि ये वही इसराइली नहीं है जो मिस्र से बड़ी धूमधाम से निकले थे लेकिन कनान में नहीं पहुँच पाए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है तो उसको आपकी सहभागिता चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर को एक खास स्थान चाहिए, इसलिए परमेश्वर में एक समर्पण वाला जीवन जिए और हर हालात में परमेश्वर के कामों का प्रचार करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और फिर एक ऐसी सफलता, एक ऐसी ऊंचाई आपके जीवन में शुरू होती है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं एक समर्पण वाला जीवन जीऊंगा और प्रति रात आपकी सच्चाई का प्रचार करूँगा और आपकी मर्जी को पूरा करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।